में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र मोंगा आज पहुंचा हूं जाट धर्मशाला, क्योंकि यहां पे कल किसान नेता राकेश टिकैत का कार्यक्रम है और इसको लेकर किसान यहां जुटे हुए हैं, तैयारियां ये कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ये किसान, क्योंकि पूरे हरियाणा से कल किसान यहां जुटेंगे। इसको लेकर किसान नेता भगवान पाल सिंह पहुंचे हुए हैं और उनकी टीम के द्वारा जो लगातार कार्य किया जा रहा है, और राणा जोहल है और भी जो किसान है वो पहुंचे हुए हैं, और इनका कहना है कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये कल राकेश टिकैत को लेकर यहाँ होने जा रहा है। स्वागत है धन्यवाद जी का कार्यक्रम जी। जिस तरह तीन कानून वापस लैण वास्ते और MSP कानून की गारंटी लैण वास्ते तकरीबन 1.5 साल अंदोलन रहा, साल तो उत्ते दिल्ली दी बरूहां दे बैठे रहे। फिर सरकार ने अंदोलन खत्म कराने वास्ते रिपील किए तीन कानून, पर जिहड़ी MSP कानून की गारंटी वाली गल सी वो ज्यों की त्यों आ। जिहड़ियां समस्यावां ने किसान दियां, मजदूर दियां, छोटे व्यापारी दियां, बेरोजगार ने, बच्चे पढ़े लिखे काम नहीं मिल रहा कोई, उहदे वास्ते एक महां पंचायत रखी गई आ जिहदे विच पंजाब तों वड्डे लीडर आ रहे ने, यूपी तों राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत जी आ रहे ने, पंजाब चों जोगिंदर सिंह उगरां, पंजाब चों ही कुलवंत संधू जी, रुलदू सिंह मानसा ते हरियाणे दे तकरीबन सारे किसान जिहड़े इत्थे पहुंच रहे ने कल 7 तरीक नूं कोई 11 बजे। सारियां यूनियन नूं सद्दा दिंदे आ तुहाडे राहीं कि उह भावें किसे यूनियन दे विच ही कम करदे होण, किसे भी पार्टी दे विच होण, उह इत्थे पहुंचण इस महां पंचायत दे विच अपनी उह गल रखण ते उहदा इहनां लीडरां दे विचार सुणन। आगामी क्या रणनीति रहेगी, किस चीज़ को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है? अगे साडी रणनीति दी समस्यावां जिवें जिवें दीआं तिवें ही आ। सब तो वड्डी समस्या है किसान नूं लाहेवंद मुल नहीं मिल रहा। स्वामीनाथन रिपोर्ट की जिहड़ी बनाई हुई सी उहनूं लागू करन वास्ते ते एक वार जिहड़ियां गलत नीतियां पिछलियां सरकारां दा करके भी किसान करजे थले दबिया होया है। पीढ़ी दर पीढ़ी दादे ते करजा, अगा पुत ते करजा, पोतरे ते करजा, ते इह मंग नूं उठाया जाएगा जोर शोर दे नाल, मोर्चा लाया जाएगा सेंटर सरकार दे ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯਹਾਂ ਜੁਟਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਕੋ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਨਕੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਮੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੇ और भी जितने संगठन है हरियाणा के, उनके नुमाइंदे यहाँ पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार्ट पहले हमने गुरुद्वारा जाड़ साहब निर्धारित किया था, उसको बदल करके हमने आज जाड़ धर्मशाला जो कर दिया है, जो कि कल राकेश टिकैत जी तकरीबन 12 बजे यहाँ पहुंचेंगे। और पंजाब से एक्टर सोनिया मां जी भी जो एक्टिव रहे काफी किसान आंदोलन में, और नवदीप सिंह जी जो वाटर कैनन जिन्होंने रोक करके वहां दिल्ली 26 तारीख को उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, वो भी पहुंच रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी किसान मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो 11 बजे यहाँ कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और उसमें जो रणनीतियां आगे बनाई जाएंगी, जैसे ये केंद्र सरकार का एक तुगलकी प्रमाण जारी किया है कि ये जो मोटर वाहन के ऊपर इन्होंने 15 साल और 10 साल कानून बना करके, वो जो क्योंकि अब किसान का ट्रैक्टर एक गड्ढा है, उस गड्ढे को 50-50 साल भी चला ले तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, ट्रैक्टर को भी ये मतलब उस श्रेणी में ला करके जो कह रहे हैं कि इसको कबाड़ में कर दिया जाएगा, स्क्रैप में डाल दिया जाएगा, इससे किसान तो पहले ही भारी नुकसान झेल रहा है, उससे ये इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम इसी के माध्यम से ये किसान जो महापंचायत रखी गई है, इसमें यही चीजें सोच करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी, सभी किसान यूनियन इसमें शामिल होगी। अब देख सकते हैं यहाँ जाट धर्मशाला में कल ये कार्यक्रम होगा और सभी किसान यूनियन यहाँ शामिल होंगी, इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं, और हो सकता है कि बड़ा फैसला भी आगामी आंदोलन को लेकर ले लिया जाए। मैं स्वतंत्र खबर के लिए जितेंद्र मोंगा।